खबर बेलखेड़ा से, जहां पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा अनोखा 3311 केवी का विद्युत सबस्टेशन है जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो वाकई में पूरी तरीके से भगवान भरोसे चल रहा है। आपको बता दें कि उसकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में इसे कहते हैं जंगल रात। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर पानी नहीं है, विगत 3 माह से ऐसे ही हाल है। भारी भरकम सबस्टेशन में बड़े बड़े 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिन्हें अर्थिंग की जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए 3 माह से पानी नहीं मिल पा रहा है। इस समय तापमान 45 डिग्री के आसपास है और अगर 3 में से एक भी ट्रांसफार्मर जल गया तो 2 पर लोड आएगा, जिसके कारण दोनों को जलने में भी समय नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता है तो 45 गांव पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सरकारी काम में भराशाही होती है, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बाद भी लापरवाही की हद कर दी गई है। ऐसी गर्मी में किसी को पानी नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम विद्युत कर्मी से हमने बात की तो पता चला कि आसपास के सिंचाई वालों से कभी कभी पैसे देकर पानी सबस्टेशन में डलवा लेते हैं। लगभग 3 एकड़ में फैले इस विद्युत सबस्टेशन में झाड़ियां हैं, जंगल व आवास बने हुए हैं, जहां पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, ताले लगे नहीं है, लिहाजा पानी की कमी के चलते। जानकारी के लिए, जब इंडिया खबर 24 की टीम वहां पर पहुंची तो पता चला कि इतने बड़े सबस्टेशन में शौचालय तक नहीं है। अगर किसी कर्मचारी अधिकारी को शौच के लिए जाना हो तो वो आसपास की झाड़ियों में जाते हैं, और इसे जंगल राज कहें या फिर कुछ और कहें, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर ज्यादातर अधिकारी नहीं रहते हैं और किसान चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। एमपीपी में यहाँ पे क्या व्यवस्था है, यहाँ पे पानी पीने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं? काहे की नहीं है कोई व्यवस्था? पानी नहीं है तो कहाँ व्यवस्था रहे? पानी नहीं है, ये लोग कहाँ से लाते होंगे ये लोग पानी? कहाँ से ला रहे, का कर? आपको मिला पानी? नहीं मिला। किस लिए आया? चाचा का फार्म करवाने के। काहे का फार्म? जनपद। नाम आपका? हरी। कहाँ से? पढ़ रही।